गाइस दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल फ्यूचर लाइफ। सो दोस्तों मैं आया अभी खारघर बाइक लेके। बाइक में जो वाइजर मैंने कार्बन रेसिंग से मंगाया था वो अभी हम लोग बाइक को फिट करने वाले हैं, इसी का ये वीडियो होने वाला है। जस्ट टेक इट आउट, दिस इज अ कार्बन रेसिंग क्लियर वाइजर फॉर CB350 RS। सो इंस्टॉलेशन का ये वीडियो है, आप देख लो और एंड ऑफ द वीडियो ये बाइक पे कैसे लगेगा और उसकी क्वालिटी कैसे है पूरा रिव्यू में बता दूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। दोस्तों ये है अपनी CB350 RS कार्बन रेसिंग का वाइजर। पैशन वैशन चलता है, धुआं क्यों निकल रहा है मेरे दोस्त? भाई वो बहुत होता है, पता है कि इसमें पानी लग गया ना, इजी पड़ेगा मुझे तो। अभी चालू कर दे भाई, ये ले चालू तेरे हाथ में। क्लियर, ये कलर अच्छा दिखता है, उसे स्मोक कलर देखा ना मैंने, पता नहीं इतना सही नहीं लगा मुझे। वही स्मोक है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा है, क्लियर कलर है ना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है थोड़ी देर 4-5 महीने बाद शायद थोड़ा पीला या फिर थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ता ना, पीला नहीं पड़ता है, बस स्क्रैचेस वगैरह। हाँ तो ठीक है, वाइट ये अच्छा लगता है एक्चुअली। ये सारी चीज़ें वाइजर के फिटिंग में काम आती है, वो बॉक्स में आती है कार्बन रेसिंग से। और इसका प्राइस है 2400, मैंने कार्बन रेसिंग की वेबसाइट से लिया था। और ये इसे आपको फिर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, सब एलएनजी का काम है ना। तो जो लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी। अंशो गाड़ी का लुक काफी बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है ना कहाँ लगाना है? अरे वो नीचे वाली तो आई, ये वाली नहीं समझ में आ रहा। रुके किसी का अभी नहीं बने स्टूडियो भाई, वो बोल रहा है इसका ये अलग है। तो इधर ना ये पट्टी यहाँ पे ऐसे लगानी है, हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे करना है इंस्टॉलेशन में, बट अभी जाके पता चला। तो दोस्तों देखो वाइजर लग गया है, दिस इज द फाइनल लुक, लुकिंग नाइस। चलो घर जाके आराम से आपको पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ है तो एरिया इज़ नॉट क्लियर, आराम से घर जाके भी पूरा लुक दिखाऊंगा बाइक कैसी दिख रही है विद दिस वाइजर। गाइस नेक्स्ट थिंग इज़ मुझे नंबर प्लेट, नंबर आ गया है RTO से तो नंबर प्लेट लगानी है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जो स्कोप है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ गोल्डन रैप लगाऊँ वो बेटर रहेगा। भाई ये लेने का this wrap is looking really good. नहीं आएगा ना ये मॉडल में, वो आते ही नहीं है ना। दोस्तों रैप का काम हो गया है, देखो यहाँ पे गोल्डन रैप लगा दिया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो आज से मैंने वाइजर लगाया रैप यहाँ पे, और अभी नंबर प्लेट लगाने के बाद हम लोग जाएंगे घर। तो घर पे जाने के बाद सोसाइटी के नीचे पूरा एक वॉक आउट दिखाता हूँ बाइक का, और बाइक का लुक कैसे आ रहा है काफ़ी बढ़िया दिख रही है बाइक। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट वाइज़र लगाया है यहाँ पे, गोल्डन रैप एंड और क्या क्या था, नंबर प्लेट। सो ये तीन चीज़ें अभी मैंने रिसेंटली लगाई थी, और आप देख सकते हो मैं एक वॉक अराउंड आपको करवा देता हूँ बाइक का कैसे ये लुक आ रहा है ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद। एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि बाइक सीरियसली काफ़ी अच्छी लग रही है बिकॉज ऑफ वाइजर, एंड दिस पर्टिकुलर क्लियर वाइजर इज एक्चुअली लुकिंग वेरी स्टनिंग, उसकी वजह से काफ़ी लुक इनहांस हुआ है। और नंबर प्लेट का एक्चुअली ये नंबर RTO में नहीं चल रहा है, बट
ठीक है, क्योंकि मेरे को आरटीओ से नंबर प्लेट आने वाला है, सो टिल द टाइम आई एम यूजिंग इट। उसके बाद वो जब आए, एक बार वो आने के बाद हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। और ये एक्स एक्चुअली हेडलाइट एक्स, वो एक्चुअली उसका कलर था टैन कलर, थोड़ा ब्राउनिश था, वो अच्छा नहीं लग रहा था उसको, तो मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर से उसको ब्लैक कर दिया एंड इट्स लुकिंग रियली गुड नाउ। सो गाइस दिस इज़ इट, ये वीडियो में मैंने आपको कार्बन वाइजर देन गोल्डन रैप और सीबी 350 आरएस रेड कलर में जो है मेरी बाइक उसमें और जो नंबर प्लेट मैंने ऐड की थी, सो उसके बाद ये लुक आ रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दिस कार्बन रेसिंग क्लियर वाइजर। काफ़ी बढ़िया सा क्वालिटी है और बहुत स्टडी भी है। ये लगाने के बाद मैं लोनावला राइड ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ था। इनफैक्ट इट एक्चुअली हेल्प्स व्हेन यू नो आप 90-100 पे क्रूज़ करते हो तो जो विंड ब्लास्ट आता है आपके बॉडी के ऊपर वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है ये वाइज़र, सो रियली हेल्पिंग इट। और सामने आप तो देख ही सकते हो कि लुक कैसे आ रहा है गाड़ी का, काफ़ी दमदार लग रही है। ये वाला जो एक्सेसरीज था आई थिंक आई कैन यूज़ इट एज दिस इज़ अ सैडल टैग काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से सैडल से लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये काफ़ी स्टडी है, सो आई थिंक मेरा तो काम हो गया, अलग से मुझे सैडल से की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं सोच रहा था यहाँ पे जो एक मेटल होल्डर आता है एक्चुअली पीछे, ओके सो वी कैन यूज़ इट एज अ बैक रेस ऑल्सो, बट वो बैक रेस नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक सेफ्टी हो जाएगा ज़रूर। सो वो मैंने देखा था, सिर्फ ऐसे ही स्टेनलेस स्टील की रॉड आएगा एक्चुअली यहाँ से, मैंने ब्लैक कलर का देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाइक का जो ये कैफे रेसर का जो लुक है ना वो मतलब उसे कम नहीं होगा, सो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग इट, देखता हूँ मैं कहाँ पे मिलेगा। सो दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू फॉर श्योर। और मुझे बताना मेरी बाइक कैसी लग रही है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू।